use duct tape instead of rope. Wynn, tell me you understand. जब ह्यूमैनिटी को दुनिया की तबाही से बचाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके सेक्रीफाइस के ऊपर हो तब आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी फैमिली को छोड़कर अपने जान दे पाओगे या फिर बाकी दुनिया के बारे में फिक्र नहीं कर अपनी फैमिली के साथ मरोगे? आज की हमारी कहानी इसी टॉपिक पर होने वाली है। इस मूवी का नाम है नॉक एट द केबिन और मूवी की कहानी शुरू होती है वेन नाम की एक छोटी सी लड़की से जो कि जंगल के बीच बने हुए अपने एक केबिन में हॉलीडे मनाने के लिए अपने दो फादर एरिक और एंड्रयू के साथ में आई थी। एरिक और एंड्रयू यहाँ पर एक गे कपल थे जिन्होंने अपने रिलेशन को लेकर बहुत प्रॉब्लम फेस करने के बाद एक दूसरे से शादी की और उन्होंने वेन को एडॉप्ट कर लिया। प्रेजेंट टाइम में वेन केबिन के पास में इंसेक्ट को पकड़ रही थी और उसी टाइम वेन के पास में एक आदमी आता है जो कि उसे अपना नाम लियोनार्ड बताता है। लियोनार्ड वेन को इंसेक्ट पकड़ने में मदद करता है जिसके बाद में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी टाइम वेन लियोनार्ड के कुछ साथियों को देखती है जो कि कुछ हथियार लेकर उनके केबिन की तरफ आ रहे थे जिसे देखकर वेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने दोनों फादर को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। पहले तो दोनों वेन की इस बात को उसका कोई मजाक समझ रहे थे लेकिन जब लियोनार्ड उनके केबिन के डोर पर नॉक करता है तो वे लोग टेंशन में आ जाते हैं। लियोनार्ड उनसे डोर खोलने को कहता है और यहाँ पर लियोनार्ड रिस्पेक्टफुली उनसे बातें कर रहा था। उनके हाथों में हथियार को देखकर एंड्रयू पुलिस को कॉल लगाता है लेकिन लियोनार्ड ने पहले ही उनके सारे कनेक्शन काट दिए थे। वे जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो इसीलिए एंड्रयू जल्दी जल्दी सभी डोर्स और विंडोज को लॉक करने की कोशिश करते हैं लेकिन लियोनार्ड की एक साथी सेब्रिना एक विंडो को तोड़कर अंदर घुस आई थी। एरिक सेब्रिना से लड़ने आता है और गलती से एरिक फ्लोर पर गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। सेब्रिना एरिक की मदद करना चाहती थी लेकिन एंड्रयू सेब्रिना को एरिक के पास में नहीं आने देता। फिर उसी टाइम रेडमंड घर के अंदर आ गया था और उसको रोकने के चक्कर में एंड्रयू ये देखता है कि लियोनार्ड ने वेस को अपनी गोद में उठाया हुआ है और एड्रियन पास में एक हथियार लेकर खड़ी हुई है। फिर कुछ देर के बाद में एरिक को जब होश आता है तो देखता है कि एंड्रयू और वे दोनों चेयर पर बंधे हुए थे और वेन उसके पास में ही बैठी थी। एंड्रयू को लग रहा था कि वे दोनों गे कपल है तो इसीलिए वे लोग उनको टारगेट कर रहे थे लेकिन लियोनार्ड उनको बताता है कि उनको गे कपल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए आए हैं। वे सभी एंड्रयू और एरिक के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। सेब्रिना एक नर्स थी, लियोनार्ड एक बारटेंडर और एक स्कूल टीचर था, एड्रियन एक शेफ थी और रेडमंड वो एक गैस स्टेशन में काम करता था। यहीं पर सभी लोग अलग अलग सिटी से थे और उनका कोई भी रिश्ता नहीं था। यहाँ पर रेडमंड ये बताता है कि पास्ट में उनसे बहुत सारे गलत काम हुए हैं लेकिन अब वो सुधर गया है। एरिक को सर पर चोट लगी थी तो इसीलिए उसको लाइट से तकलीफ हो रही थी और तब रेडमंड कर्टन बंद कर देता है। यहाँ पर लियोनार्ड ये कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और दुनिया को बचाने उनकी फैमिली को चुना गया है। अगर उनकी फैमिली से किसी ने एक सेक्रीफाइस दे दिया तब दुनिया को बचाया जा सकता है और ह्यूमैनिटी को भी कोई खतरा नहीं होगा। अगर उन लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं दिया तब पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। फिर एंड्रयू यहाँ पर कह देता है कि कुछ भी हो जाए उनकी फैमिली से कोई भी सेक्रीफाइस नहीं देगा और वे लोग लियोनार्ड की बातों पर बिलीव भी नहीं कर रहे थे। लियोनार्ड की बातों से हमें पता चलता है कि उन चारों को सेम विजन आए थे जहाँ पर दुनिया खत्म हो रही थी और ह्यूमैनिटी भी खतरे में थी। अपने अपने विजन में उन लोगों ने एक दूसरे को भी देखा जिससे कि वे लोग एक दूसरे से मिले और दुनिया को बचाने के लिए इस मिशन में एक दूसरे का साथ दिया। चारों ने अपने विजन्स में इस केबिन को भी देखा जहाँ पर उनको पता चला कि इस केबिन के फैमिली मेंबर में अगर कोई एक सेक्रीफाइस देगा तभी ह्यूमैनिटी को बचाया जा सकता है। अगर उन चारों में से कोई मरा तब दुनिया में एक एक करके कोई खतरा आएगा जैसे कि वायरस, प्लेग, सुनामी या फिर प्लेन क्रैश, अर्थक्वेक और न जाने क्या क्या। एरिक और एंड्रयू फिर भी उनकी बातों को बिलीव नहीं कर रहे थे तो इसलिए रेडमंड उनके सामने बैठ जाता है और लियोनार्ड उसको जान से मार डालता है। रेडमंड जब मारा जाता है तो एरिक को उसके पीछे एक लाइट दिखाई देती है लेकिन एंड्रयू को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। रेडमंड के मरते ही लियोनार्ड टीवी ऑन करता है जहाँ पर न्यूज में अर्थक्वेक और सुनामी आने की खबर आ रही थी और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उन चारों ने अपने अपने विजन्स में देखा था। अगर ऐसी तबाही को बार बार होने से रोकना है तो उन लोगों को कल से पहले अपना डिसीजन लेना होगा। एरिक के सर से खून निकल रहा था तो इसलिए सेब्रिना उसको बाथरूम में ले जाकर उसकी पट्टियाँ चेंज करती है। बाथरूम में भी सेब्रिना एरिक को उनकी साइड लेकर सेक्रीफाइस करने का बोल रही थी लेकिन एरिक अपनी फैमिली का साइड ही ले रहा था। एंड्रयू के मुताबिक लियोनार्ड प्लान करके उनको बेवकूफ बना रहा है और वे अभी भी उस इंसिडेंट को बस एक इत्तेफाक मान रहे थे। एंड्रयू को याद आता है कि एक दिन बार में ओबानिन नाम के एक आदमी ने उस पर अटैक किया था लेकिन वो आदमी रेडमंड की तरह दिख रहा था, मतलब कि रेडमंड ही वो अटैकर था। तो इसीलिए एंड्रयू अब यही सोच रहा था कि एडमंड के साथ मिलकर
यह उनको मारने का बस एक प्लान है। एंड्रयू एक ह्यूमन राइट लॉयर था और वो उन लोगों को सजा देने की बात करता है। तब लियोनार्ड एंड्रयू को अपने स्टूडेंट की फोटो दिखाता है कि अगर उन लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो बहुत से मासूम लोगों की जान चली जाएगी। सीन कट होता है और कहानी अब अगले दिन से शुरू होती, जहाँ पर एंड्रयू एरिक के कार में जाकर गन लाने की बातें कर रहा था। एंड्रयू अपनी रस्सियाँ खोलने की भी बहुत कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वेन एरिक को एक चाकू लाकर देती है ताकि वो अपनी रस्सियाँ खोल पाए। एड्रियन यहाँ पर एरिक और एंड्रयू से रिक्वेस्ट करती है कि वे उन तीनों में से किसी एक का सेक्रीफाइस दे दें, क्योंकि उसका बेटा है जिसका नाम चार्ली था और उसे मरने देना नहीं चाहती थी, और एड्रियन ने उसे अपने विजन में तबाही के दौरान मरते हुए देखा था। और जब तक वे तीनों में से कोई एक सेक्रीफाइस नहीं देगा, ऐसी घटनाएं तब तक खत्म नहीं होगी। एंड्रयू और एरिक फिर भी उनकी बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए खुद को प्रूव करने के लिए एड्रियन लियोनार्ड के हाथों अपनी जान दे देती है। एड्रियन के मरते ही सबरीना टीवी ऑन करती है, जहाँ पर दुनिया में एक वायरस फैल गया था और वहाँ पर लोगों की मौतें हो रही थी। यहाँ पर एड्रियन की मौत के टाइम एरिक ने उसके पीछे फिर से एक और फिगर को देखा था, जो बात वो एंड्रयू को बताता है। लेकिन एंड्रयू के मुताबिक सर पर चोट लगने के कारण एरिक ये सब हेलुसिनेट कर रहा था। एंड्रयू के मुताबिक लियोनार्ड ये सब प्लान करके कर रहा था। जब भी उनके टाइमिंग से वो सिचुएशन मैच करती, तब भी वे लोग न्यूज को ब्रॉडकास्ट करते हैं, और बाहर भी लियोनार्ड के कुछ आदमी जरूर होंगे जो कि ये सब कर रहे थे। यहाँ पर वे चिल्लाकर लियोनार्ड का ध्यान भटकाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर एंड्रयू और एरिक अपनी रस्सियां खोल लेते हैं। एरिक हथियार से लियोनार्ड को कंट्रोल कर रहा था और एंड्रयू गन लेकर कार की तरफ जाता है। तभी वहाँ पर सबरीना आकर एंड्रयू के लेग पर अटैक करती है और वो कॉपरेट करने को कहती है। एंड्रयू फिर सबरीना को चकमा देकर कार के अंदर जाता है और गन को लोड करता है। तब तक सबरीना कार की विंडो को तोड़कर एंड्रयू को सरेंडर करने को कहती है, और फिर एंड्रयू का गन चलाते ही सबरीना केबिन की तरफ भाग जाती है। इधर एरिक एक हथियार से लियोनार्ड को अटैक करने की कोशिश कर रहा था, और लियोनार्ड यहाँ पर एरिक को शांत करने की कोशिश करता है और उसे जल्दी अपना डिसीजन लेने को कहता है। एंड्रयू गन लेकर वहाँ तक आ गया था। लियोनार्ड के मुताबिक उन दोनों का प्यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्योर है, और इसीलिए उनको इस सेक्रीफाइस के लिए चुना गया है। अचानक सबरीना भागकर वहाँ तक आ गई थी, और तब एंड्रयू उस पर गोली चला देता है और सबरीना घायल हो जाती है। लियोनार्ड उनसे उनका डिसीजन पूछता है, लेकिन अभी तक वे दोनों सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते थे, और तब लियोनार्ड सबरीना को पूरा ही मार डालता है। सबरीना की मौत के बाद सबरीना की डेड बॉडी ठिकाने लगाते टाइम एंड्रयू को रेडमंड की डेड बॉडी से उसकी आईडी मिलती है, जिसमें उसका नाम ओबायन लिखा हुआ था, जिसने एंड्रयू पर बार में अटैक किया था, और इस वजह से एंड्रयू को अब भी ये किसी प्लान का हिस्सा लग रहा था। फिर लियोनार्ड को गन पॉइंट पर लेकर लियोनार्ड उसको बाथरूम में बंद कर देता है, और उसी टाइम उनको बाथरूम से ग्लास टूटने की आवाज़ आती है। बाथरूम का डोर खोलने पर खिड़की का ग्लास टूटा हुआ था, लेकिन लियोनार्ड भागा नहीं था, वहीं पर छुपा हुआ था। लियोनार्ड एंड्रयू पर अटैक करके उसकी गन छीन लेता है और उसे टीवी ऑन करने को कहता है। टीवी पर वे लोग ये देखते हैं कि 700 प्लेन क्रैश हो चुके थे और बहुत से लोगों की जान जा चुकी, और ये सब सबरीना के बनने से हुआ था। लियोनार्ड यहाँ पर अपने विजन में एक्सीडेंट में देखे हुए सभी बातें बता रहा था, और सेम बातें भी न्यूज में चल रही थी। एरिक को थोड़ा बहुत इन सब में विश्वास हो रहा था, लेकिन एंड्रयू अभी भी ये सब एक ट्रिक मान रहा था। कोई भी रास्ता न बचने पर लियोनार्ड अपनी जान लेने का सोचता है। एरिक वेन को ट्री हाउस में भेज देता है ताकि वो इन सब से डर नहीं जाए। लियोनार्ड आखिरी बार उनको ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उन दोनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस करने को कहता है, लेकिन दोनों अभी भी इस बात को नहीं मानते हैं, तो इसलिए लियोनार्ड अपना गला काटकर खुद की जान ले लेता। अब उसी टाइम उनको आसमान में काले बादल नजर आते हैं, जैसे कि अब बहुत तेज तूफान आने वाला हो। फाइनली एरिक को उन चारों की बातों पर यकीन आता है, और लियोनार्ड के मरने पर भी एरिक ने उसके पीछे किसी लाइटनिंग फाइटर को देखा था। एरिक के मुताबिक वे चारों बाइबल के उन चार हॉर्स को प्रेजेंट कर रहे थे, जिनके ऊपर इस पूरी दुनिया का भार है, और हरक के मरने पर दुनिया में तबाही आ जाएगी। अब वे दोनों अपना डिसीजन लेने में बेहतर थे, तो इसलिए उन दोनों को सेक्रीफाइस के लिए चुना गया था। यहाँ पर एरिक ने एंड्रयू और वेन का फ्यूचर विजन देखा था, जहाँ पर एंड्रयू और वेन की लाइफ बहुत अच्छी थी, इसलिए एंड्रयू के हाथों एरिक ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए सेक्रीफाइस दे देता है। एरिक के सेक्रीफाइस के बाद में वहाँ पर आ रहा तेज तूफान रुक जाता है और आसमान साफ हो जाता है। न्यूज में अभी भी आ रहा था कि वायरस खत्म हो चुका है, और प्लेन क्रैश में बहुत से लोग बच गए थे, और अब कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हो रहा था। सुनामी और भूकंप भी रुक गए थे, और अब इंसानियत बच गई थी। फिर एंड्रयू को लियोनार्ड के कार में लियोनार्ड का सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिसमें उसके स्टूडेंट के साइन थे। सबरीना की नर्स की आईडी मिलती है, और एड्रियन और उसके बेटे चार्ली की फोटो मिलती है, और रेडमंड की आईडी मिलती है। मतलब की शुरुआत से ही वे चारों सच बोल रहे थे। यहाँ पर आए तो वे तीनों साथ में थे केबिन में अपने हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए, लेकिन अब एंड्रयू और वेन एरिक के बिना ही वापस जा रहे थे,
और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पर इस मूवी की कहानी बाइबल की कुछ बातों से जुड़ी हुई है। बाइबल के मुताबिक हर एक एरा में दुनिया में तबाही आएगी जब बाइबल के चार हॉर्समैन इसका भार नहीं उठा पाएंगे। इन चारों हॉर्समैन की ये जिम्मेदारी है कि वे दुनिया को बैलेंस करके चले। मूवी में वे चार हॉर्समैन वे चार लोग थे। पहला था व्हाइट हॉर्समैन जो कि लियोनार्ड था। व्हाइट हॉर्स गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है और लियोनार्ड एक टीचर ही था और उसने व्हाइट कलर पहना। रेड हॉर्स जो कि रेडमंड था। रेड हॉर्स रिप्रेजेंट करता है वॉर या फिर बैटल को और रेडमंड ने रेड कलर ही पहना हुआ था। अगला होता है ब्लैक हॉर्स जो कि एड्रियन थी। ब्लैक हॉर्स रिप्रेजेंट करता है खाने को। एड्रियन एक शेफ थी और उसने ब्लैक कलर पहना हुआ था। चौथा और आखिरी होता है पेल हॉर्स जो कि सबरीना थी। पेल हॉर्स रिप्रेजेंट करता है हीलिंग को और सबरीना एक नर्स भी थी और सबरीना ने पेल येलो कलर का शर्ट पहन रखा था। अब दुनिया में अपोकैलिप्स यानी कि प्रलय आएगा, तब दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी इन चारों हॉर्समैन की होगी और एक प्योर सोल को सेक्रीफाइस करके ही इस दुनिया को बचाया जा सकता था। ये प्योर सोल एरिक और एंड्रू की फैमिली थी, क्योंकि दुनिया से उनके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम मिलने के बाद भी उन लोगों ने अपने प्यार को स्ट्रॉन्ग रखा। मूवी में भी आप ये देखेंगे कि इन चारों हॉर्समैन में जो कोई भी मरता था तो कोई ना कोई एक इंसिडेंट जरूर होता था। इसलिए जब भी उन चारों हॉर्समैन में से कोई एक मरता था तो एरिक को उनके पीछे एक लाइट दिखाई देती थी जो कि लाइट हेवन की थी। एरिक ने अपने विजन में एंड्रयू और वेन को फ्यूचर में बहुत कुछ देखा था, मतलब कि एरिक का मरना पहले से लिखा हुआ था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? इस मूवी का नाम है नॉक एट द डोर। मैंने पूरी कोशिश की है आपको इस मूवी को अच्छे से समझाने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपको जल्द ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।